मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुंबई का निकल पॉट आई यू सेलिंग फॉर द प्राइस ऑफ ₹1000। बोर 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 पूरी जैकेट पे सिर्फ बोर बोर बोर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे चहीते व्लॉगर निखिल शर्मा एके मुंबई का निखिल के क्लोथिंग ब्रांड लेबल एमएन के बारे में। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू रिव्यू टू ऑफ हिज जैकेट्स और आई शुड से हुडीज। द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं लेबल एमएन की। सो लेबल एमएन वॉज स्टार्टेड बाय निखिल शर्मा एंड शोभित शर्मा समवेयर इन द ईयर फेब्रवरी 2018। ठीक है, सो उन लोगों ने काफ़ी नवंबर से सोच रहे थे, देन वो डिले होता हुआ अक्टूबर हुआ, देन डिले होता होता वो फेब्रवरी 2018 में पहुंच गया। सो मुंबई का निखिल ने एक्सपेक्ट किया था कि वो जब ऑर्डर देंगे इसका लॉन्च करेंगे एंड दे विल बी गिविंग अप स्वाइप अप लिंक, तो ज़्यादा 1000 या 2000 10000 इतना टारगेट रखा था। बट फर्स्ट डे पे ही गॉट समवेयर अराउंड 10,000 ऑर्डर्स एंड उनकी जैकेट्स लिटरली हेलो। सो येस, दैट वॉज अ बिग सक्सेस फॉर मुंबई का निखिल की फर्स्ट डे पे इतने सारे ऑर्डर्स आ जाना। दिस शोज हिज फैन फॉलोइंग एंड हिज वर्क जो उन्होंने आज तक करा है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। तो हम आज का रिव्यू करने वाले 3 criteria पे। द फर्स्ट वन इज गोना बी द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक, द सेकंड वन इज गोना बी द यूजेबिलिटी एंड द थर्ड वन इज गोइंग टू बी द प्राइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस वाली हुडी के बारे में। सो इस हुडी को लिए हुए मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुंबई का निखिल व्हाट आर यू सेलिंग फॉर द प्राइस ऑफ ₹1000। बोर 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 पूरी जैकेट पे सिर्फ बोर 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 कर दो लंदरा। सो जस्ट किडिंग गाइस, एक्चुअली रीज़न ये था कि इस हुडी को पहन के मैं रात में सो गया था जिस वजह से इसके ऊपर बुर आ गई थी एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बुर नहीं है, बहुत लिमिट में है। ठीक है, सो द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज़ रियली वेरी गुड। सो ये कॉटन है, ठीक है, एंड इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन बी हीरोज, विच इज़ बेसिकली द टैग लाइन ऑफ लेबल एमएन। यहाँ पे एमएन की स्टिचिंग है, एक्चुअली इट्स नॉट अ स्टिचिंग, इट्स काइंड ऑफ जैसे पेंट से कुछ लिखा जाता है ना वैसे लिखा हुआ है एमएन एंड इनसाइड से भी द क्वालिटी इज़ रियली वेरी गुड, इट्स रियली वेरी कम्फर्टेबल टू वियर। सो काफ़ी सिंपल बेसिक एंड बहुत अच्छी हुडी है। ठीक है, सो इफ समवन वुड आस्क मी हाउ मच वुड आई रेट दिस हुडी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक, एंड आई वुड रेट इट 8.5/10। हाँ, थोड़ा बहुत बुर का सीन हुआ है और 1 साल हो गया है, बट वो बुर का रीज़न भी यही था कि मैं इसको रात में पहन के सो गया था, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। उसके अलावा दिस हुडी इज़ रियली वेरी गुड एंड ग्रेट टू वियर। तो बात करते हैं दूसरी हुडी के बारे में। तो ये है मेरी दूसरी वाली हुडी एंड इस वाली हुडी को लिए मेरे को अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैंने अब तक इसको मुश्किल से शायद 3-4 बार पहने। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना था 1 जनवरी की पार्टी पे, देन मैंने इसको अपने 2-3 शूट्स पे पहना है एंड यही वो वाली हुडी है जिसकी स्टोरी मैंने बनाई थी एंड उस पर निखिल शर्मा एके मुंबई का निखिल टैग मी। सो यस, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उसके बाद ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी काफ़ी बूम पे चला गया था, मेरे समवेयर अराउंड 250 प्रोफाइल विजिट्स थे एंड नाउ आई एम हैविंग समवेयर अराउंड 4500 प्रोफाइल विजिट्स ऑन माई इंस्टाग्राम। सो बिग थैंक्स टू मुंबई का निखिल कि आपने मेरे को अपनी स्टोरी में टैग करा जिसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम बूम करा एंड मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। सो अगर इस हुडी की बात करें तो दिस हुडी इज़ लिटरली वेरी 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 स्टाइलिश। ठीक है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना रिजिड और टाइट सा फैब्रिक है जो समवेयर और लोगों को हल्का सा चुभ सकता है, बट उसके अलावा ओवरऑल इट्स रियली वेरी गुड। यहाँ पे एमएन का ये पेंट से जो भी पता नहीं कैसे करके लिखा हुआ है, देन यहाँ पे इसके जो पॉकेट्स हैं उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से इन्होंने पैटर्न बनाकर मुंबई कर एंड काइंड ऑफ ग्रफिटी वाला पैटर्न एक फील है एंड देन यू गेट दिस पैटर्न ऑन द हुडी टू। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हुडी के ऊपर भी ये पैटर्न बना हुआ है एंड वाइट कलर के ऊपर ब्लैक का कंट्रास्ट देखे दिस हुडी फील्स रियली वेरी गुड। काफ़ी लोगों ने इस हुडी के बारे में तारीफ भी करी है कि भाई हुडी बहुत अच्छी लग रही है, द हुडी इज़ रियली वेरी गुड, कहाँ से ली, कितने के ली। तो मैं ऑलरेडी मुंबई के निखिल का प्रमोशन वहाँ पे कर चुका हूँ। सो अगर इसके फैब्रिक के बारे में मेरे से कोई पूछे देन आई वुड रेट इट 8/10। बस थोड़ा सा मेरे को रिजिड लगता है फैब्रिक जिसमें हल्का हल्का चुभता है, उसके अलावा इट फील्स रियली वेरी गुड एंड रियली वेरी सेक्सी टू वियर।
सो अगर बात करें इस हुडी की यूजेबिलिटी के बारे में, सो ऑफ कोर्स यू कैन वेयर इट ऑन पार्टीज, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डिसेंट बन के जाते हो, बट इफ इट कम्स टू मी देन आई एम नॉट गोना वेयर इट ऑन पार्टीज। हाँ, इफ आई एम गोइंग टू कॉलेज देन आई डू वेयर इट, एंड उसके साथ साथ कभी कभी जॉगिंग करो तो एक्सरसाइज करो तो तब भी मैं इस हुडी को पहन लेता हूँ, बिकॉज ब्लैक इज अ कलर जो हर चीज़ के साथ जमता है, आप चाहे कुछ भी पहन लो, ब्लैक इज द बेस्ट कलर मेरे लिए, ब्लैक एंड नेवी ब्लू, बोथ ऑफ दीज आर द बेस्ट कलर्स, मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, मेरे ऑलमोस्ट हर दूसरा कपड़ा ब्लैक या डार्क ब्लू ही होता है। सो यस, टॉकिंग अबाउट द यूजेबिलिटी ऑफ दिस हुडी, यू कैन वियर इट फॉर द कॉलेज, यू कैन वियर इट वाइल जॉगिंग, यू कैन वियर इट वाइल डूइंग योर एक्सरसाइजेस, सो यस, यूजेबिलिटी इज रियली वेरी गुड। तो अब बात करते हैं दूसरी हुडी के बारे में, तो अब बात करें अगर इस हुडी की यूजेबिलिटी के बारे में, सो यस, यू कैन वियर इट एनी वेयर, ठीक है, बट कीप दिस इन माइंड कि इसको यूजुअली ब्लैक पैंट्स के साथ वेयर करो, जैसे मैंने वेयर कर रखा है, एंड मेरी इस ब्लैक पैंट में, सो इट्स अ लिवाइस पैंट, एंड इसके साथ मेरे को साइड में एक वाइट स्ट्रिप भी है, तो ये उसके साथ पूरा मैच कर जाता है बहुत अच्छे से, ओके, सो ये बहुत अच्छी लगती है, यू कैन वेयर इट एनी वेयर, ओके, एंड इट फील्स रियली वेरी कूल एंड डोप टू वियर अ जैकेट लाइक दिस, सो येस, आप इसको कहीं पर भी वियर कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो वियर इट ऑन द पार्टीज टू। Now talking about the price of this hoodie costed me somewhere around ₹1000, and इसको ले हुए मेरे को almost एक साल हो चुका है, and सच्ची बोलूँ तो मेरे को price इसका बिल्कुल decent लगता है, बस यही एक दिक्कत है कि इसकी जो zip है ना, उस zip के ऊपर भी ना MN engraved होना चाहिए, because if you are purchasing a hoodie for ₹1000, then you expect कि ऐसे उसके ऊपर कोई नकली zip ना लगी हो, ठीक है, and ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुंबई के निकलन शोभित शर्मा का ये मोटिव है दैट उनको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, तो क्वालिटी के साथ साथ उनको डिटेल्स पे भी फोकस करना चाहिए। सो आई प्रेफर, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो शोभित शर्मा या मुंबई का निकल, देन इसके जिप के ऊपर MN एंग्रेव कर दो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो अब बात करते हैं अबाउट द प्राइस ऑफ द सेकेंड पीस, अब बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, सो दिस हुडी कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड ₹1200, एंड 1200 इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट स्टिल आई फील कि हुडी का प्राइस समवेयर अराउंड 1000 होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज एक तो थोड़ा जो रिजिडिटी का मेरे को लगा कि काइंड ऑफ टाइट है, पैटर्न वाइज इट फील्स रियली वेरी गुड, यू कैन वेयर इट एनी वेयर ऑन पार्टीज, ऑन शूट्स और एनी वेयर, ओके, एंड एक चीज़ सिमिलरली जो ब्लैक वाली हुडी के साथ थी, मुंबई का निकल, प्लीज़ जो ये जिप है ना, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, अगर आप 1200 रुपीज़ में एक हुडी दे रहे हो, सो पीपल एक्सपेक्ट कि जिप के ऊपर भी MN लिखा हो, बिकॉज ये ना काइंड ऑफ चीप फील करता है कि जिप आप किसी और ब्रांड, मतलब ऐसी नकली से जिप लगा के दे दो। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट माई रिव्यू विथ दीज टू लेबल MN हुडीज, एंड जेन्युइन रिव्यू बताऊँ, सो येस, दीज हुडीज आर रियली वेरी गुड, इफ़ यू आर थिंकिंग टू परचेज देम, देन यू कैन विजिट www.labelmn.com, एंड वहाँ से आप ये हुडीज खरीद सकते हो। मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हुडीज बहुत अच्छी रही है, दोनों का रिव्यू मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज डिसेंट, द यूजिबिलिटी इज वेरी गुड, एंड द प्राइस इज ऑल्सो गुड, एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर एंड लाइक इट, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।